अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी ड्राइंग टीचर अमरीन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वॉज। वॉज हमने फोर्थ क्लास में भी सीखा था, वो सिंपल शेप में था क्योंकि हम अपग्रेड हो चुके हैं, इसलिए हमारा जो इस क्लास का वॉज है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए आपने इसी को ही फॉलो करना है। ये इसकी मॉडल पिक्चर है, ठीक है। आज के टॉपिक के मुताबिक पेज नंबर 18 और 19, ये मॉडल पिक्चर है, आप देख सकते हैं, अपनी बुक खोलें और देखें, और उसके बाद पेज नंबर 19 पे आ जाए। पेज नंबर 19 पे जो ये ड्राइंग की है उन्होंने, ये एक्यूरेट साइज़ में की है, और इसी साइज़ को लेके हमने जो ड्राइंग करनी है अपनी स्केच बुक पे, इसी साइज़ में रहते हुए करनी है। अब ड्राइंग करने से पहले जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं वो हैं लेड पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, कलर पेंसिल, क्रेयॉन्स, या एज यू विश जो कलर मीडियम आप यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी पेंसिल कलर्स या क्रेयॉन्स कलर्स। अब हम अपनी ड्राइंग की तरफ आ जाते हैं। ड्राइंग के इसी साइज़ को हमने मेजर करना है और अपनी कॉपी पे इसको कॉपी करते जाना है। सबसे पहले हमने जब कोई स्टिल लाइफ बनानी होती है, ख़ास तौर पे वो कोई पोर्ट हो या अगर कोई वो वॉज हो, तो उसकी सेंटर लाइन से स्टार्ट लेते हैं ताकि वो बिल्कुल स्ट्रेट बन सके। सबसे पहले मैंने इसकी सेंटर लाइन मेजर की जो कि 12 सेंटीमीटर में है। इसके स्टार्टिंग से लेके इसकी एंडिंग तक इसका जो साइज़ है वो है 12 सेंटीमीटर। आपके लिए आसानी है कि आप पहले अपनी बुक के ऊपर, मॉडल ड्राइंग के ऊपर मेजरमेंट्स लेते जाएं, फिर आप इन्हीं को उठा के अपनी स्केच बुक पे लें। सबसे पहले हमने सेंटर लाइन ली, उसके बाद हमने इसकी ऊपर वाली फेस की लाइन ले लेनी है जो कि 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, और साथ साथ लिखते जाना है। इसकी मिड में जो इसकी नेक लाइन बन रही है वो इसकी बन रही है 1.5 सेंटीमीटर, आपने उसको डिवाइड करके कर लेना है। उसके बाद जो इसकी ये थोड़ी सी नीचे बन रही है वो है तकरीबन हमारी 3 सेंटीमीटर, और ये इसके जो सेंटर में इसका हमने सर्कल शो करना है वो तकरीबन बन रहा है 6 सेंटीमीटर। थोड़ा थोड़ा आप साइज़ को 19-20 कर सकते हैं अपनी चॉइस और अपनी पेज साइज़ के मुताबिक, थोड़ा थोड़ा अप डाउन आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम फोटोकॉपी नहीं कर रहे, हम हैंडमेड ड्राइंग कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा 19-20 हो सकता है। उसके बाद ये जो इसकी बेस लाइन है वो 2 सेंटीमीटर है। ये सबसे आसान तरीका होता है ड्राइंग की सेम कॉपी करने का। पहले आपने अपनी मॉडल पिक्चर के ऊपर इसको कॉपी कर लेना है, अपनी मेजरमेंट्स को आप पॉज से देखें कि हमने लाइंस के साथ इनकी मेजरमेंट्स उठा लेनी है। उसके बाद इन्हीं लाइंस को हमने अपनी स्केच बुक पर ले आना है। जैसे मैंने पहले इन पे इधर मेजर कर लिया, आप इन्हीं लाइंस को उठाते हुए मैंने स्केच बुक पर ड्रॉ कर लिया। ऊपर वाली लाइन 0 से 5 सेंटीमीटर ली, नेक लाइन जो थी इसकी वो 0 से 2 सेंटीमीटर ली, फिर जो ये इसके थी सेंटर से इसका सर्कल बन रहा था उसकी 0 से 3 सेंटीमीटर ली, और 0 से 6 सेंटीमीटर बॉटम लाइन जो इसकी एंड वाली लाइन है, इसकी बेस लाइन है, वो 0 से 2 सेंटीमीटर है। इसके बाद हमारे लिए ड्राइंग करना कोई मुश्किल ही नहीं होगा, बिल्कुल एक्यूरेट ड्राइंग होगी। मैं आपके सामने करती हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा। हाँ, इसके जो फेस के एजेस हैं ये थोड़े से अप डाउन हो जाएंगे तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपने दोनों साइडों से इक्वल डिस्टेंस छोड़ना है इसकी नेक का, ना कम ना ज़्यादा, दोनों साइडों से इक्वल डिस्टेंस ताकि ये बैलेंस बने, और आहिस्ता आहिस्ता आपने इधर से सर्कल शेप की तरफ आते जाना है। स्टॉप करो ज़रा। ये हमने मेजरमेंट्स के बाद अपनी ड्राइंग पूरी करके हेल्पिंग लाइनों को अरेज कर दिया। अब ये हमारे पास आउटलाइन बन गई अपनी ड्राइंग की। अब हम इसकी डिज़ाइनिंग की तरफ आएंगे। इसकी डिज़ाइनिंग भी काफ़ी डिटेल है, अगर आप चाहें तो थोड़ी सिंपल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप इसकी डिटेल को फॉलो करें, जिस तरह से इन्होंने ड्रॉ किया आप भी करें। थोड़ा मार्कर यूज़ कर सकते हैं आप इसकी डिज़ाइनिंग में, ख़ास तौर पे ब्लैक कलर का। उसका ये फ़ायदा होगा कि आपके सारे कलर ब्राइट हो जाएंगे। पहले मैं आप इसकी डिज़ाइनिंग को पेंसिल से करूँगी ड्रॉ, बुक से देखते हुए आप भी करें इस तरह से, ताकि कलर करने में आपको आसानी हो जाएगा। आप ब्रैक इसके साथ ब्रैक कलर से शुरू करेंगे ना, तो मिस्टेक होने के बाद आपके पास करेक्शन की गुंजाइश नहीं होगी। ये इसकी नेक की डिज़ाइनिंग है,
पहले हमने लाइंस निकाल लेनी, अब हमने देखना है कि डॉट्स किस किस जगह पे हैं। यहाँ पे डॉट्स हैं, यहाँ पे प्लेन है, डिज़ाइनिंग बारीक है और प्लेन है, और उसके बाद यहाँ पे डॉट्स हैं। सेम इसी तरह यहाँ ज़िगज़ैग है, ये आपने मार्कर उठा के उससे कर लेनी है। उसके बाद ये फिर इसके बाद हमने पेंसिल से करनी है। कर्व लाइंस के साथ इसकी डिज़ाइनिंग होगी। कलर्स आप पेंसिल यूज़ कीजिएगा, क्योंकि पेंसिल कलर्स नैरो पार्ट को भी कवर कर देते हैं, क्रेयॉन्स जो होंगे वो बाहर निकल आएंगे। अब ये इसका फ्लावर एरिया है, इसको बनाने के लिए सेंटर फ्लावर सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम इसकी पेटल, फोर पेटल्स फ्लावर है ये, सेंटर का बनाने के बाद आपको बाकी बनाने आसान हो जाएंगे। वॉज का ड्राइंग मुकम्मल करने के बाद, वॉज का डिज़ाइन भी हमने मुकम्मल कर लिया है और पेंसिल से किया है, अब हम इस डिज़ाइन को ब्लैक मार्कर से आउटलाइन देंगे। उसके बाद एंड में इसका कलर स्टार्ट करेंगे। देखें ज़रा गौर से,